फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ आपको पालक का पौष्टिक और टेस्टी रायता। इसके लिए हमने करीब पाव भर दही लिया है, एक बड़ा चम्मच पालक लिया है पिसा हुआ, हमने इसको पहले पालक को धो के उबाल के और पीस लिया है। शक्कर लिए, धनिया कटा हुआ, धनिया कटा हुआ, पुदीना, हींग, जीरा, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, मिर्ची टेस्ट के हिसाब से और एक हरी मिर्ची तली हुई, और थोड़ा सा घी लिया है, एक दीपक लिया है और ये शक्कर लिया है। सबसे पहले हमने दही को इसमें डाल के इसे दही से अच्छे से फेंट लिया है। इस तरीके से फेंट लिया है। इसमें करीब थोड़ा सा पानी डाला है। इसके बाद इसमें हमने एक चम्मच के करीब हमने पालक लिया है, इसको मिला दिया है इस तरीके से। इस तरीके से जितना गाढ़ा चाहे उतना बना सकते हैं, मुझे थोड़ा गाढ़ा पसंद है इसलिए मैं गाढ़ा बना रही हूँ। हमने सादा नमक डाला है करीब आधा चम्मच, चौथाई चम्मच काला नमक डाला है। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। ये जीरा पाउडर डाला है चौथाई चम्मच, एक चम्मच हरी मिर्ची हमने डाली है तली हुई, इसको हमने पहले तल के रख लिया था। इस तरीके से ये डालते हैं, बच्चों के लिए यदि आप बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ना डालें। दो चम्मच शक्कर डाली है इसमें हमने। अब हम एक दीपक लें, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, शक्कर को मिक्स कर लिया है इस तरीके से। इसका कलर कितना अच्छा आया है इस तरीके से। अब हम गैस ऑन करेंगे, उसमें एक दीपक गरम करेंगे इस तरीके से। दीपक को अच्छे से गरम कर रहे हैं। गरम होने के बाद हमने इसमें घी डाला है, थोड़ा सा घी डाला है इस तरीके से। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग, चौथे चम्मच हींग डाली है, और ये जीरा डाला है। और फिर हम इसको गर्म करेंगे इस तरीके से, गर्म करेंगे। जब तक गर्म करेंगे जब तक धुआं नहीं निकले और ये जीरा नहीं पक जाए, हींग के दम पक जाना चाहिए। देखिए इसे पकने वाला है, इसमें धुआं निकलने लगा है। ये वो टेस्टी होता है, यदि आपने एक बार बनाया तो हफ्ते भर इसको आप बनाकर ही खाते रहेंगे। ये धुआं निकलने लगा है, अब देखिए जीरा भी हो चुका है, हींग भी हो चुकी है। ये बहुत पौष्टिक होता है और हम इसको दीपक को इसमें डाल देंगे, उसमें बंद कर देंगे, गैस ऑफ कर दी। जब इसका धुआं निकलना बंद हो जाएगा तो हम इसको खोलेंगे और देखिए इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और हम इस दीपक को अब निकाल देंगे। दीपक हमने निकाल दिया। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे इस तरीके से। ये
पालक का रायता, ये आपका पालक का रायता तैयार हो चुका है। इसको आप खाने के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और पौष्टिक होता है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।